क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग ये क्या होता है भाई? जी हाँ दोस्तों, क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी टाइप की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मैं हूं नवीन और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल रिटेल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होता है? क्रॉस सेलिंग वो होता है कि जैसे, चलो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। और क्रॉस सेलिंग से बेनिफिट ये होता है कि आपके जो सेल्स फिगर होते हैं उसमें भी आपको बहुत मदद मिलती है। आपके जो टारगेट्स होते हैं, टारगेट पूरे करने में भी आपके इसके बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप क्रॉस सेलिंग करते हो और अपसेलिंग करते हो। ये दो ही चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़रूरी हैं, और ये हर सेल्समैन को, मैनेजर को, या कोई भी दुकानदार है, ठीक है, सबको ये चीज़ें जरूर आनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में क्या होता है कि जैसे सपोज की बात है, एक कस्टमर आपके पास आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को एक शर्ट लेनी है। अब आपने क्या किया, चलो ठीक है, शर्ट तो उनको लेनी है, ठीक है, अगर आप क्रॉस सेल चाहते हो, ठीक है, तो आप उनको शर्ट के साथ टाई भी बेच सकते हैं। और अब आप बोलोगे कि यार टाई कैसे बेच, अगर बंदा शर्ट लेने आया तो टाई कैसे लेगा। ये क्रॉस सेलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्रॉस सेलिंग कैसे होगी? आप एक शर्ट दिखा रहे हो, आपने उस शर्ट के साथ कस्टमर को एक टाई मैच करके दे दी, ठीक है जी। अगर वो टाई कस्टमर को पसंद आ गई है, ठीक है, वो उसने बोला कि नहीं यार ये टाई इसके साथ मैच हो रही है, आपने दो चार बातें बोल के, ठीक है, उसके बारे में बता के, ठीक है, तो वो इजिली, वो टाई इजिली सोल्ड हो जाएगी। इसी तरह एक कस्टमर अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाता है, ठीक है, वहाँ पे बोलता है कि चल ठीक है मेरे को भाई एक ना 32 इंच का एलईडी टीवी लेना है। अब 32 इंच का एलईडी टीवी लेना है, मैक्सिमम वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पे ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है, कि वो कोशिश करते हैं कि हम भाई अपना जो है 32 की जगह 40 वाला सेल करें, जिससे हमारे टारगेट्स वगैरह पूरे भी हो जाए और उससे बेनिफिट भी मिले। अब होता क्या है कि अगर एक कस्टमर गया, उसने बोला भाई 32 इंच का एलसीडी लेना है मेरे को, अब 32 इंच का एलईडी लेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कस्टमर आपको अगर थोड़ा सा उनका बजट थोड़ा सा ऊपर भी है, आप उनको कस्टमर को बोल सकते हो कि सर देखो इसमें क्या है कि अगर आप एक एलसीडी ले रहे हो 32 इंच की, ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हायर रेंज में हमारे पास 40 इंच का आपको मिल जाएगा, जिसमें कि बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ नहीं है, मतलब आप कंपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। और उसकी जगह आपने क्या कर दिया, वो भेज दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये होता है आपका अपसेलिंग। इसी तरह अगर एक कस्टमर आया आपके पास कंप्यूटर लेने, ठीक है, अब कंप्यूटर लेने तो आया हुआ, ठीक है, और आपने उसके साथ अगर उसको कवर भी दे दिया, इससे आपके सेल फिगर्स बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं कि भाई आपने, चल ठीक है, आप सोचोगे भाई मेरे, भाई मैं 50 कस्टमर अटेंड कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो टाइम बहुत रेयर मिलता है। मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई की हुई थी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और अगर आप ये चीज़ें, दोनों चीज़ें, क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग, अगर आप अप्लाई करते हो, तो 110% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सेल्स में सक्सेस होंगे, आपके जितने भी टारगेट्स हैं वो इजिली कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना यार, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।